तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मन्नत शाहरुख खान के बंगले के पास। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मन्नत शाहरुख खान के बंगले के पास और यहां पे आप देखेंगे तो इस तरीके की भीड़ लगी हुई है और भीड़ लगी है, बदलना है थोड़ा। मीडिया वाले जो है वो थोड़ा सा कवरेज ले रहे हैं शाहरुख खान के बंगले का, क्या है कैसा है वो सारी चीज़ें। तो आप जो है इस तरीके से हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में लगभग 7-8 बजे का टाइम है और इतनी ज़्यादा पब्लिक जो है यहाँ पे जमा है। तो मैं आपको बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये है माने जाने अभिनेता बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान के बंगलों की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे पर्यटकों की लाइन लगी रहती है फोटो सेल्फी। और एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे दिन हो या रात हो आप कभी भी आएं आपको यहाँ पे लोगों की भीड़ नज़र आएगी दोस्तों। और आपको अभी यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे सलमान खान के बंगले के पास दोस्तों और उसको आपको दिखाएंगे हम। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं दोस्तों और आगे चल के आपको सलमान खान के बंगले पे दिखाते हैं। तो यहाँ से लगभग 2 से 3 मिनट का रास्ता है दोस्तों जो सलमान खान के बंगलों के पास जाता है। और दोस्तों उन्होंने जो है एक संस्था चालू की है बिंग ह्यूमन उस नाम से। और दोस्तों बहुत अच्छे आदमी हैं वो, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। और ये रात का नज़ारा है दोस्तों, मुंबई सपनों की नगरी है दोस्तों, इतनी खूबसूरत दिखती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों ये बांद्रा बैंड स्टैंड के नाम से जाना जाता है जहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टारों के घर मिल जाएंगे। दिलीप कुमार, संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण, इन सारे लोगों के घर आपको यहीं पे थोड़ी थोड़ी दूर पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमने आपको जैसे कि वादा किया था कि हम जो है अपने भाई सलमान खान के बंगलों के पास हम पहुंच चुके हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट इनके बंगले का नाम है और इसके अंदर जो है इनका 4 फ्लोर है जो इन्होंने ख़रीद रखा है। ये आप यहाँ पे देखेंगे डी मार्ट के ऊपर, बिल्कुल यहीं से ईद हो, दिवाली हो, बकरीद हो या फिर क्रिसमस का किसी भी त्यौहार में यहीं से जो है वो बधाई देते हैं लोगों को, यहाँ से लोगों को हाथ हिला करके बधाई देते हैं दोस्तों। और ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें सलमान खान के 4 फ्लैट हैं दोस्तों। और उसके बाद अभी हम यहां से दोस्तों निकलेंगे और हम जाएंगे संजय दत्त साहब के बंगले के पास जो आपको हम अभी दिखाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि यहां आपको आने के लिए मान के चलिए बांद्रा रेलवे स्टेशन से आपको 30 से 35 रुपए लगेंगे और आप जो है यहां एकदम आसानी से आ सकते हैं। यहां पब्लिक इतनी चलती है जिसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। अब हम यहां से निकल चुके हैं दोस्तों और अभी हम जो है दिलीप कुमार साहब के बंगले के पास बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। और दिलीप कुमार का जो बंगला है वो दोस्तों यहीं पे बिल्कुल है एकदम एग्जैक्ट, अभी आपको हम दिखाएंगे। उनके बैनर यहां पे लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों यहीं से थोड़ी ही दूर पे 2 मिनट की दूरी पे जो संजय दत्त का बंगला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिलीप कुमार साहब का जो है वो बैनर लगा हुआ है। और एक चीज़ ये है अभी फ़िलहाल जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, तो अभी ये बनने में है, किसी बिल्डर ने ले लिया है जो अभी बनने में है। आपको नज़दीक से हम दिखाने की कोशिश करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए यूसुफ खान जो इनका ओरिजिनल नाम था दिलीप कुमार साहब का, वो यूसुफ खान था दोस्तों। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और हम आपको दिखाएंगे संजय दत्त साहब का बंगला। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और संजय दत्त साहब के बंगले के पास चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही शांति भरा माहौल नज़र आएगा संजय दत्त साहब के बंगले के पास। उनके बंगले के बाद कोई और बंगला नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के बाद वो जो है एरिया ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और यहीं पे वासु पाली हिल के नाम से बंगला है दोस्तों,
जो कि बड़े बड़े एक्टर उसमें रहते हैं, कई लोग रहते हैं। अब उसमें आपको अगले पार्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसका हमारा दूसरा पार्ट भी आने वाला है दोस्तों, तो आप हमें बताएं कि उसके बाद आप क्या देखना चाहेंगे। तो ये रास्ता जो है वो बिल्कुल संजय दत्त साहब के बंगले के पास जाता है। बस दोस्तों, एग्जिट हम संजय दत्त साहब के बंगले के पास पहुँच चुके हैं। ये राइट साइड में आप देखेंगे जो बंगला दिख रहा है वो संजय दत्त साहब का ही है। हम आपको एकदम एग्जिट इसकी पूरी ऊपर से नीचे तक जो है व्यू करके दिखाते हैं आपको। ये बंगला जो आप देख रहे हैं ये संजय दत्त साहब का है, और ये बंगला जो है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों, संजय दत्त साहब का बंगला जो है बाहर से देखने में इतना खूबसूरत है, जिसका नज़ारा रात का ये जो नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं। और इनके बंगले का नाम जो है वो इम्पीरियल हाइट्स है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इम्पीरियल हाइट्स जो है लिखा हुआ जहाँ पे है वो, नहीं तो आप समझेंगे कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो संजय दत्त साहब की है, इसमें किसी और का एक भी फ्लैट नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है उन्हीं की है। हम आपको इसको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी बेटर लुक दिखता है रात को। आप यहाँ पे आएंगे, शांति का माहौल होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। हम आपको बैनर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, बिल्कुल देखिए यहाँ पे, ये देखिए इम्पीरियल हाइट करके इनकी बिल्डिंग का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए। थैंक यू सो